अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर रफीक फ्रॉम 5G प्रॉपर्टीज़, जो कि कैपिटल स्मार्ट सिटी और लाहौर स्मार्ट सिटी का नंबर वन सेल्स पार्टनर है। आज का हमारा टॉपिक कैपिटल स्मार्ट सिटी का एग्जीक्यूटिव ब्लॉक 1 और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक 2, वहाँ पर डेवलपमेंट क्या है, किस फेज पे है, इन्वेस्टमेंट करनी भी चाहिए यहाँ पे फर्दर या नहीं, इस बात के ऊपर आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के हवाले से कम्प्लीट डिटेल्स ज़रूर मिलेंगी। ड्रोन ने हमारे एग्जीक्यूटिव ब्लॉक बी से फ्लाई किया है, जिसका 70% एरिया डेवलप्ड है और रिमेनिंग 30% की अभी तक लैंड एक्वायर्ड नहीं है, इसलिए वहाँ पर अभी काम रुका हुआ है। इसी 30% एरिया के बाद ये जो नीचे थोड़ा सा काम हुआ आप देख रहे हैं, ये एग्जीक्यूटिव ब्लॉक सी है। माशाल्लाह से कैपिटल स्मार्ट सिटी ने 5 सालों के अंदर एग्जीक्यूटिव ब्लॉक सी की भी लैंड अभी तक मुकम्मल एक्वायर्ड नहीं की हुई। इस पर हार्डली 10-15% लैंड एक्वायर्ड है, जिसके ऊपर कटिंग का काम हुआ हुआ है। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने सी के बाद जितने भी ब्लॉक्स हैं एग्जीक्यूटिव ब्लॉक 1 के, उसकी लैंड अभी तक एक्वायर्ड ही नहीं की हुई। कोई मसला नहीं है अगर आपको मेरी ज़बान पे इतबार नहीं है, सामने काश्तकारी हो रही है, आप वो चेक कर सकते हैं कि लैंड कितने परसेंट डेवलप्ड है और कितने परसेंट वहाँ पर कटिंग हुई हुई है। मकामी अफराद की जहाँ पर आपको एक बस्ती नज़र आ रही है, वहाँ पर भी एक ब्लॉक है, उसका भी हम तस्करा भी करते हैं। 2017 में लॉन्च होने वाला कैपिटल स्मार्ट सिटी, जिसका लॉन्चिंग प्रोडक्ट जर्नल ब्लॉक था, उसको कैपिटल स्मार्ट सिटी ने ख़त्म करके उसकी फाइलें मर्ज कर दी 2019 में एग्जीक्यूटिव ब्लॉक 1 में। जिनको नहीं पता, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक 2019 दिसंबर में इसकी बेल्टिंग हुई थी ओवरसीज 1 के साथ। ओवरसीज 1 का नया नाम ओवरसीज ईस्ट है। होना तो ये चाहिए था, जो ब्लॉक सबसे पहले लॉन्च हुआ, जिसने हबीब रफीक HRL के प्रोजेक्ट को ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, उनको बाकी तमाम आने वाले ब्लॉक्स में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता। अनफॉर्चुनेटली इस ब्लॉक में तमाम रेजिडेंट्स को पूरी हाउसिंग प्रोजेक्ट में सबसे कम मुनाफे पे रखा गया है। अभी रिसेंटली मोटरवे इंटरचेंज के अप्रूवल के बाद काफ़ी ज़्यादा रेट्स में जंप आया है, लेकिन क्या ये रीसेल की हवा परमानेंट रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। 3 महीने 4 महीने मैक्सिमम 6 महीने इसी हवा में जो रेट जंप होगा तो होगा, उसके बाद एक्चुअल ग्राउंड फुटेज, ग्राउंड की डेवलपमेंट के ऊपर ही फाइल्स की ट्रेडिंग होगी। इसी रीसेल की हवा में इन्वेस्टर्स तो पैसे बना के निकल जाएंगे, लेकिन फंसेंगे वही जिन्होंने यहाँ पे यही ख्वाब लेके प्लॉट लिया होगा कि हमें यहाँ पर अपना प्लॉट चाहिए, हमने अपना घर बनाना है। हबीब रफीक एक बड़ा नाम है, उम्मीद है प्लॉट तो इनको मिल जाएंगे, लेकिन कब मिलेंगे इसका पता नहीं है। एग्जीक्यूटिव ब्लॉक वालों के साथ नाइंसाफ़ी है, इसका कोई भी डीलर, कोई भी मैनेजमेंट का बंदा इसको डिफेंड नहीं कर पा रहा। इसको किस तरीके से जस्टिफाई करें कि 5 साल होने को एक ब्लॉक को, जिसका पेमेंट प्लान पे आपने फाइलें भी कैंसिल की हैं, जिन लोगों ने इंस्टॉलमेंट्स नहीं दिए, लेकिन उनके ब्लॉक के ऊपर डेवलपमेंट चूँकि तू है ना होने के बराबर है। अब आप भी बताएं, सोसाइटी की लॉन्चिंग का सबसे पहला ब्लॉक है, उसकी ये डेवलपमेंट का हाल है, जबकि इसके बाद लॉन्च होने वाले 3 से 4 ब्लॉक्स हैं वो नियर पोजिशन है, नियर डिलीवरी है। 3 साल का पेमेंट प्लान होता है, जिसमें मैनेजमेंट का बंदा हर 2-3 माह के बाद एक इंटरव्यू यूट्यूब पे लॉन्च कर देता है और ये कहता है कि हम 3 साल के अंदर आपको प्लॉट देंगे, आप बकायदगी से अपनी किस्तें दें और प्लॉट खरीदें, हमारे नाम पे ट्रस्ट करें। इंटरव्यूज़ में 2021 तक कहा गया कि हम एग्जीक्यूटिव ब्लॉक में बहुत जल्द पोजीशन लेकर आएंगे, एग्जीक्यूटिव ब्लॉक वालों के लिए खुशखबरी होगी। आप लोगों ने इतना सीक्रेटिव इस चीज़ को रखा, लेकिन जब चीज़ें ऐसा ऐसा सामने खुलेंगी, लोग ओपनली जब इसके ऊपर एहतजाज करेंगे, तो खाली एग्जीक्यूटिव ब्लॉक का नाम नहीं गंदा होगा, HRL का नाम भी गंदा होगा। HRL का नाम गंदा होगा तो कैपिटल स्मार्ट सिटी और इसके आने वाले तमाम जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उसका नाम भी गंदा होगा, क्योंकि नए रेट्स आए हैं एग्जीक्यूटिव ब्लॉक के और ओवरसीज़ ब्लॉक के, जिसमें रेट्स को डिफ्रेंशिएट किया गया है। इससे यही जाहिर होता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी की मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव ब्लॉक 3 और ओवरसीज़ वेस्ट, ये 2 ब्लॉक्स को लॉन्च करने का इरादा रखती है। मेरी कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट से दरख्वास्त है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी पहले एग्जीक्यूटिव ब्लॉक 1 और 2 को डिलीवर करे, उसके बाद एग्जीक्यूटिव ब्लॉक की कोई नई बुकिंग्स को लॉन्च करे या कोई नया ब्लॉक लॉन्च करे। इसमें कोई शक नहीं है कि आपके ऊपर बड़ा प्रेशर है, फ्रेश बुकिंग्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, लेकिन एक ब्लॉक एग्जीक्यूटिव ब्लॉक 1, जिसकी हिस्ट्री 2017 से चल रही है और उसके बाद 2019 दिसंबर के बाद यानी कि 2020 से एग्जीक्यूटिव ब्लॉक 2 की डेवलपमेंट भी तकरीबन ना होने के बराबर है, पहले आप इन दोनों ब्लॉक्स को डिलीवर करें। और अगर यहाँ पर ज़मीन की एक्वायरेशन बहुत लेंथी फेज़ में है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आप फिल 4 इनको नई जगह पर रिलोकेट करें, स्पेशली एग्जीक्यूटिव ब्लॉक 1 को, उनको किस चीज़ की सज़ा मिल रही है। एक आखिरी दाग ही है आपके सफ़ेद कपड़ों के ऊपर, कपड़ा जितना मर्जी सफ़ेद हो, इस्त्री हुआ हो, कलर्ड हो, नज़र तो दाग पे ही पड़ती है।
यही दो दाग हैं जिसको आप अभी तक साफ करने में नाकाम रहे हैं, एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 और एग्जेक्टिव ब्लॉक 2। एग्जेक्टिव ब्लॉक 2 को भी तीसरा साल है और एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 का 5वां साल है। डेवलपमेंट तकरीबन ना होने के बराबर है। यही है वो ज़मीन एग्जेक्टिव ब्लॉक 2 की जिसकी मैंने एक वीडियो 2 से 3 माह पहले भी बनाई है। जूँ की तू ही है, डेवलपमेंट इर्द गिर्द काश्तकारी हो रही है। पता नहीं है ज़िंदगी में कब जाके लैंड एक्वायर्ड होगी और लोगों को मिलेगी। आम पाकिस्तानी जिसका ओवरसीज़ में कोई भी नहीं है, उसने क्या गलती कर ली है एक ख्वाब देख के कि उसको भी प्लॉट चाहिए, उसने भी यहाँ पर मकान बनाना है। आम पाकिस्तानियों ने भी आपको पैसे दिए हैं, ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक के रेजिडेंट्स ने चूँकि पैसे नहीं दिए, वो किस्तें नहीं देते, इसलिए हम एग्जेक्टिव ब्लॉक में डेवलपमेंट नहीं कर रहे। हकीकत सबके सामने आपको बयान करनी चाहिए। एग्जेक्टिव ब्लॉक के क्लाइंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कि यार हमारे पास यहाँ पर ज़मीन नहीं है, हम आपको रिलोकेट कर रहे हैं, आपके साथ इंसाफ होगा, हम आपको इससे बेहतर जगह के ऊपर स्विच करेंगे। यही आपका सख्त फैसला है जिसके बाद कैपिटल स्मार्ट सिटी की ट्रू सक्सेस और एक्सीलेंट रीसेल में मज़ीद इजाफा होगा। मैं बारहा कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 को एटलीस्ट फिल 4 रिलोकेट किया जाए और उनकी पोजीशन के लिए एक मेजर न्यूज़ शेयर किया जाए। फर्दर आप किसी एक भी ब्लॉक को लॉन्च ना करें, काइंडली इन 2 ब्लॉक्स को डिलीवर करें, उसके बाद आप कोई नया ब्लॉक लेकर आएँ। करंटली नीड ऑफ द आवर यही है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 को एटलीस्ट उनकी लोकेशन, उनके ब्लॉक के ऊपर डेवलपमेंट होती नज़र आए, उनको रिलोकेट कर दें। वो 5 सालों में इतने परेशान हैं कि आप उनको कहीं पे भी लोकेशन पे प्लॉट देंगे वो खुशी खुशी इस बात को एक्सेप्ट करेंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी को अपने ज़मीन के मसाइलों के ऊपर सीरियस होकर सोचना चाहिए। आप इसको ज़्यादा देर कवर नहीं कर सकते, ज़्यादा देर छुपा नहीं सकते। चीज़ें जब एक बलून बनेंगी तो बलून फटता ज़रूर है। इंटरचेंज हकीकत है। कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट को मुबारक हो, एक बड़ा वादा पूरा हुआ, लेकिन उस बड़े वादे के चक्कर में छोटे वादों को ना आप इग्नोर करें। एग्जेक्टिव ब्लॉक के साथ भी इंसाफ करें, एग्जेक्टिव ब्लॉक वाले भी पैसे दे रहे हैं, एग्जेक्टिव ब्लॉक की भी पोजीशन शुरू करें, एक कड़वी गोली ले लें, इनको रिलोकेट कर दें, इनके साथ इंसाफ करें ताकि कोई भी डीलर ब्रादरी आपको डिफेंड करने में आपके शाना बशाना खड़ी हो। और अगर आप ये कुछ भी नहीं कर सकते, एटलीस्ट एक क्लैरिफिकेशन इशू कर दें ताकि एग्जेक्टिव ब्लॉक वालों को पता हो, डीलर्स को पता हो कि कब आपने यहाँ पे डिलीवरी देनी है। फ़र्क आप देख लें एग्जेक्टिव ब्लॉक और ओवरसीज़ सेंट्रल की लोकेशन में कितना सा है कि ये आगे जो गांव आपको नज़र आ रहा है ये ब्लॉक जे में आ रहा है एग्जेक्टिव के, इसी की लेफ्ट साइड के ऊपर जो ज़मीन आया है ये सारी फाइनेंशियल स्क्वायर है, और उसके लेफ्ट साइड के ऊपर जो आपने कटिंग होते हुए देख रहे हैं वो है ओवरसीज़ सेंट्रल। शायद 1 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है, लेकिन चूंकि ओवरसीज़ के क्लाइंट्स डॉलर्स में इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं और पाकिस्तानी अवाम रुपयों में पैसे दे रहे हैं, शायद यही वजह है कि एग्जेक्टिव ब्लॉक को टोटली इग्नोर कर दिया गया है। यही है वो मंदवाल गांव जिसका एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 के मास्टर प्लान में कैपिटल स्मार्ट सिटी ने वहाँ पर वाइट स्पॉट दिया हुआ है ब्लॉक जे के अंदर, ये वो गाँव है। जबकि ये 8-10 मकान जो हैं एग्जेक्टिव ब्लॉक के सेक्टर एफ में। एग्जेक्टिव ब्लॉक 1 से एग्जेक्टिव ब्लॉक 2 तक का आपने देख लिया है कि डेवलपमेंट ना होने के बराबर है, बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे काश्तकारी हो रही है, ज़मीन एक्वायरेशन नहीं है। इसीलिए इसी प्रोग्रेस को देखते हुए मुझे खौफ है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के मैनेजमेंट ने अगर इसके ऊपर डिसीजन ना लिया तो फर्दर 4-5 साल की इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। उम्मीद है इतना बड़ा डेवलपर अपनी रेपुटेशन को फर्दर ख़राब नहीं करेगा। इस मेजर डिसीजन से इनकी रेपुटेशन काफ़ी बेहतरी आएगी, कैपिटल स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट और ऊँचाइयों पर जाएगा। आपके पास और आपके मुखालिफों के पास ऐसी कोई भी वजह नहीं रहेगी कैपिटल स्मार्ट सिटी के ख़िलाफ़ कोई प्रोपोगंडा कर सके। एक यही डिसीजन है जिससे काफ़ी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं।